हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ऑर्गेनिक गार्डनर में। तो क्या आप भी अपने घर पर ऐसे ढेर सारे टमाटर उगाना चाहते हैं? तो आप एकदम सही वीडियो पे आए हैं। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, इसमें आपको पूरी जानकारी मिलेगी। ये जो आप टमाटर देख रहे हैं, ये मैंने मेरे टेरेस गार्डन में ग्रो बैग में उगाए हैं और इसमें से मुझे काफ़ी अच्छी हार्वेस्ट मिली है। और इन टमाटर को मैंने उगाया है पूरी तरह ऑर्गेनिक तरीके से, इसमें कोई भी एक प्रकार के केमिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं टमाटर उगाने की प्रोसेस। सबसे पहले मैंने लिया किचन में पड़ा हुआ ये टमाटर। आप डायरेक्ट मार्केट से भी बीज खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आपको बिना किसी खर्चे के इसे उगाना है तो आप किचन में ही पड़े टमाटर का यूज़ करें। तो फटाफट से हम इन टमाटर के बीजों को निकाल लेंगे और उसे इस तरह से कंटेनर में डाल देंगे। अब इन बीजों को मिट्टी में अच्छी तरह से मिक्स करें। इसके बाद हमें इसमें पानी डालना है और केवल कुछ ही दिनों में हमारे टमाटर के पौधे उगने लगेंगे। इसे हमेशा पानी देते रहें, टमाटर के पौधे काफ़ी जल्दी बड़े होते हैं। ये 3 से 4 दिन के बाद का रिजल्ट है और काफ़ी सारे इसमें पौधे आने लगे हैं। ये एक दूसरे कंटेनर में मैंने टमाटर के बीजों को बोया था और उसमें पौधे इतने बड़े हो चुके हैं। जब पौधों की हाइट इतनी बड़ी हो जाए तो उन्हें आराम से इस तरह से उखाड़ कर ट्रांसप्लांट करें। तो यहाँ पर मैं 2 से 3 पौधों को उखाड़ के इस तरह से अलग कर लूँगी। इसके बाद आप इन पौधों को ग्रो बैग में, अपने गार्डन में या फिर किसी भी कंटेनर में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और ध्यान रहे कि टमाटर को उगाने के लिए थोड़ा सा बड़ा कंटेनर या ग्रो बैग लें। टमाटर उगाने के लिए कम से कम आपको 12 इंच गहरा पॉट या ग्रो बैग लेना है। मैं यहाँ पर 15x15 इंच का ग्रो बैग ले रही हूँ। और अब इस ग्रो बैग में हमें भरना है सॉइल मिक्स। सॉइल मिक्स में मैंने लिया है 50% गार्डन सॉइल, 20% कोकोपी, 20% सैंड एंड 10% कंपोस्ट। अगर आपकी मिट्टी काफ़ी चिकनी है तो आप उसमें ज़्यादा रेत भी मिला सकते हैं। तो अब हमने ग्रो बैग को भर लिया है और अब हम इसमें पौधों को ट्रांसप्लांट करेंगे। अगर आप चाहते हैं आपके पौधे में बड़े बड़े टमाटर आएँ तो इसके लिए एक ग्रो बैग में एक ही पौधा लगाएं। अगर आप एक ग्रो बैग में एक से ज़्यादा पौधा लगाते हैं तो वो दोनों अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। इसके बाद हम इस पौधे को रेगुलरली पानी देते रहेंगे। टमाटर के पौधे को ग्रो करने के लिए काफ़ी ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, तो गर्मियों के मौसम में से 2 बार पानी ज़रूर दें। टमाटर का पौधा काफ़ी जल्दी बड़ा होता है और जल्दी ही आपको इसमें छोटे छोटे फूल आते हुए नज़र आएंगे। ये देखिए, अब पौधा मेरा इतना बड़ा हो चुका है और इसमें छोटे छोटे से ये फूल मुझे दिखने लगे हैं। ध्यान रहे पौधे को हमेशा पानी देते रहें, लेकिन इसे बहुत ज़्यादा पानी भी ना दें, इससे पौधा ख़राब हो सकता है। अब हमारा पौधा यहाँ पर काफ़ी बड़ा हो चुका है और इसमें अब फूल खिलने लगे हैं। टमाटर के फूलों में वैसे खुद ही पॉलिनेशन होता है, पर काफ़ी बार इसमें पॉलिनेशन ना होने की वजह से फूल गिरने लग जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पौधे के फूल ना गिरें तो उन्हें इस तरह से शेक करें जिससे पॉलिनेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। ऐसा करने से फूल गिरेंगे नहीं और उसमें टमाटर बनने लगेंगे। जब टमाटर का पौधा बड़ा हो जाए और उसमें फूल आने लगे तो उसे सहारा ज़रूर दें। ऐसा करने से टमाटर ज़्यादा अच्छे से ग्रो करेगा। मैं यहाँ पर एक PVC पाइप की मदद से इसे सहारा दे रही हूँ। आप किसी भी लकड़ी या पाइप की मदद से इसे सहारा दे सकते हैं। उसके बाद पॉलिनेशन के लिए मैंने शेक किया इन फूलों को और इसमें अब काफ़ी सारे फूल आ चुके हैं, तो हम इन्हें इस तरह से शेक कर रहे हैं। अब केवल कुछ ही दिनों में आपको इसमें छोटे छोटे टमाटर नज़र आएंगे। और टमाटर को ग्रो करने के लिए कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। आप मिट्टी में थोड़े से चूने या फिर जिप्सम का प्रयोग कर सकते हैं। ये यहाँ पर मैंने 2 पौधे लगाए हैं और एक पौधे में इस तरह से टमाटर आने लगे हैं। ये अब देख सकते हैं, हमने पॉलिनेट इन्हें किया था और इसमें अब पॉलिनेशन सक्सेसफुल हुआ है, तो इसमें छोटे छोटे टमाटर हमें दिख रहे हैं। जब पौधे में इस तरह से टमाटर आने लगे तब आप इसमें थोड़ी सी खाद भी डाल सकते हैं। खाद में आप गोबर का प्रयोग या फिर वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप अपने घर पर सब्जियाँ उगा रहे हैं तो इसमें कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल ना करें। आप ये यहाँ पर देख सकते हैं, टमाटर काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं और केवल कुछ ही दिनों में उसके बाद ये हार्वेस्टिंग के लिए भी तैयार हो जाएंगे। आप ये यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें पौधे में काफ़ी सारे टमाटर आए हैं और इन टमाटर का साइज़ भी काफ़ी अच्छा है। टमाटर को उगाने में ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं लगती है और इसमें खर्चा भी कम आता है। बस एक बार पौधा ट्रांसप्लांट हो जाए उसके बाद इसे बस सहारा और पानी की ही ज़रूरत पड़ती है। ये आप देख सकते हैं, जिन जिन टहनियों को हमने शेक करके पॉलिनेट किया था उसमें टमाटर काफ़ी अच्छे आए हैं। मेरे टमाटर के पौधे अब पूरी तरह टमाटरों से भर चुके हैं और इन्हें देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है। और इसी के साथ अब इन टमाटरों का कलर भी चेंज होने लगा है। एक बार टमाटर जब अपने फुल साइज़ में डेवलप हो जाता है तो ही उसके बाद वो पकने लगते हैं। अब ये टमाटर अपने फुल साइज़ में आ चुके हैं और अब इनका कलर चेंज होने लगा है।
ध्यान रहे आप टमाटर के पौधे को ऐसी जगह रखें जहाँ पर काफ़ी धूप आती है, क्योंकि इन हरे टमाटर को पकने में काफ़ी ज़्यादा धूप की ज़रूरत होती है। अगर धूप नहीं है तो ये पक नहीं पाते हैं। तो आप ये यहाँ पर देख सकते हैं टमाटर पकने लगे हैं और इनका साइज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एकदम मार्केट से जो आप टमाटर ख़रीदते हैं इसके साइज़ में और उसके साइज़ में कोई भी डिफरेंस नहीं है। हमने इन्हें बिना किसी गार्डन के बस एक छोटे से ग्रो बैग में लगाया है, फिर भी इसमें इतने बड़े टमाटर आए हैं। और इन टमाटर को देख के आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी क्योंकि आपने ये अपनी मेहनत से उगाए हैं। तो अब समय हो चुका है इन लाल टमाटर को हार्वेस्ट करने का। और ध्यान रहे जब टमाटर लाल होने लगते हैं तो इन्हें फटाफट हार्वेस्ट कर लें। ऐसा करने से बाकी टमाटर भी जल्दी से ग्रो करने लगते हैं। काफ़ी बार टमाटर पकने के बाद भी हम उन्हें हार्वेस्ट नहीं करते हैं और फिर उनमें चिड़िया आकर छेद कर लेती है और जिससे वो ख़राब हो जाते हैं। इसलिए जैसे ही आपको लाल टमाटर दिखें आप उनकी हार्वेस्टिंग करते रहें। इन टमाटर को देखकर मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती हूँ। एकदम अच्छी तरह पके हुए ये लाल टमाटर लग रहे हैं, पूरी तरह मार्केट से ख़रीदे हुए नज़र आ रहे हैं और मुझे ये बहुत ही ज़्यादा खुशी दे रहे हैं। और मैं चाहती हूँ ये खुशी आप भी महसूस करें, इसलिए आप अपने घर पर टमाटर ज़रूर उगाएं। तो ये मेरे टेरेस गार्डन से आज की फाइनल हार्वेस्ट वीडियो। अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।